दोस्तों, अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं।
तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को, और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है,
आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है।
लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को,
और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका कुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान,
खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों, अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौरे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं।
तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को, और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है,
आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है।
लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा,
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका कुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका कुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्म देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पढ़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडने, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौरे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है।
आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडने, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडने, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौरे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी, इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं।
तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी, इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं
और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है,
जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका कुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका कुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है। उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऊपर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे? इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पढ़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडने, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कोरे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान है, खुशाली कुमार है, संजय दत्त, रवीना टंडन है, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी गुड़चड़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़चड़ी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है।
आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी गुड़चड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथाने, खुशाली कुमारे, संजय दत्त, रवीना टंडने, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कोरे आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पोन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी, इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही, आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में, तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्टबस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं, दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं।
तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है, उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी घुड़चढ़ी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुड़चढ़ी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 अगस्त 2024 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी घुड़चढ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों बिनोय गांधी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 4.3 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है, लेकिन गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 89% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पार्थ समथान, खुशाली कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन, अरुणा ईरानी, रीनी आर्या, अंचित कौर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इस मूवी को। और दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी, इतने बड़े बड़े स्टारिंग कास्ट आपको मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगेगी ही। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है वीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ समथान का प्यार मेनका रवीना टंडन की बेटी देविका खुशाली कुमार के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से हो जाती है और एक अरसे पहले दबे उनके अरमान फिर से जाग जाते हैं और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लगती है। अब क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोड़ा बनेंगे या ये दोनों अपने बच्चों की शादी में रोड़ा बनेंगे, इन सब पर सवालों के जवाब आपको ये फिल्में देखकर ही पता लगाने होंगे। मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है,
आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें म्यूजिक के बारे में तो दोस्तों फिल्म के संगीत तनिष्क बागची और खुशबीर ने दिया है और गीत भी तनिष्क बागची और खुशबीर के हैं। फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने चार्ट बस्टर पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में हैं। दिल वसदा और पंजाबी मुंडे पौन भंगड़ा दोनों ही गाने मज़ेदार हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिनोय के गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है। उन्होंने कहीं भी कहानी को नीरस नहीं पड़ने दिया और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाज का एहसास करता है। उन्होंने एक्टर्स को चेन बड़ी सावधानी से किया है और अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।